हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. मैं बायोलॉजी मंत्रा. आज जो मैं आपको टॉपिक लेकर चल रही हूँ, ये यूपी पीएससी पीसीएस का जो जूलॉजी मेंस का पेपर है और जो जीआईसी मेंस का पेपर है, चाहे वो आश्रम पद्धति का हो या वैसे जीआईसी मेंस का हो, प्री के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये है आपका फीटल मेम्ब्रेन्स इन बर्ड्स. ठीक है, तो हम लोग ये चिक का करेंगे. ये बहुत ही, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में, तो चलते हैं देखते हैं क्या क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक. तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि चिक को ज़रूरत ही क्यों पड़ी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की, है ना. तो जो हायर लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ये अपने एग जो है वो लैंड में ले करते थे. सो द लैंड हायर लैंड वर्टिब्रेट्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले देयर एग्स ऑन लैंड. सो द प्रोटेक्शन एंड अदर फंक्शन, प्रोटेक्शन के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन की वजह से. सो एज फीटल मेम्ब्रेन डेवलप फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोडर्म एरिया ओपेका से, क्योंकि ये डेवलप हुए हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोडर्म से डेवलप हुए हैं, एंड ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो पॉप, इसलिए इन्होंने हेंस कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच लॉस्ट आफ्टर सर्विंग. अपना काम करने के बाद ये लॉस्ट हो जाते हैं. तो एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं. द हायर लैंड वर्टिब्रेट्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले देयर एग्स ऑन लैंड. सो द प्रोडक्शन एंड अदर फंक्शंस, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज एसेंशियल. As fetal membranes develop from extra-embryonic blastoderm area opaca and do not participate in the formation of embryo proper, hence called extra-embryonic membrane which lost after serving, जो serving के बाद lost हो जाता है. अब हम आगे देखते हैं. There are four types of extra-embryonic membrane. चार तरीके की extra-embryonic membrane है, yolk sac, amnion, chorion और allantois. ठीक है, तो ये हम लोग कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ योक सैक. तो हम लोग जैसे जानते हैं कि योक सैक जो है फूड की तरह काम करता है एम्ब्रियो के लिए. तो ये कैसे बनता है, ये इनर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर से बनता है. द इनर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है विच इज कंपोज्ड ऑफ स्प्लैंचिक मीजोडम. स्प्लैंचिक मीजोडम ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू और एंडोडम इज कॉल्ड योक सैक. योक सैक क्या है, द इनर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है जिस किससे बना है, कंपोज ऑफ स्प्लैंचिक मीजोडर्म, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड एंडोडर्म, तीन चीजों से इज कॉल्ड योक सैक. और ये क्या करता है, इट ग्रेजुअली सराउंड द एंटायर योक मास को सराउंड कर लेता है, इसके अंदर योक भर जाता है एंड सर्व्स एज डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है. द योक इज यूज्ड एज फूड ऑफ द एम्ब्रियो एंड द एंडोडर्म ऑफ द योक सैक जो होता है सिक्रीट, वो एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि योक को डिजोल्व करता है इनटू डिफ्यूजिबल सब्सटेंस. ये डिफ्यूजिबल सब्सटेंस न्यूट्रिटिव होते हैं. दीज सब्सटेंसेज, यानी ये जो डिजोल्व योक है, ये कैरिड बाय द ब्लड वेसल, कैरी करके हार्ट में पहुंचाता है और फाइनली जो है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो में पहुंचाता है, क्योंकि ये एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है. कैसा है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है. तो हम लोग फिर आगे चलते हैं. आगे अगर हम लोग इसमें देखें तो एम्नियन एंड कोरियन फॉर्मेशन है. एम्नियन एंड कोरियन, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ. ये है आपका योक, ये है आपका योक सैक. योक सैक में योक भरा हुआ है, यहाँ ब्लड वेसल्स भी हैं. ठीक है, तो ये ब्लड वेसल एक्सपेंशन ऑफ एरिया ओपेका, तो इस तरीके से ये आपका बना हुआ है. नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज एम्नियन एंड कोरियन फॉर्मेशन. ये एक साथ होता है, द टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलप्स टुगेदर. एम्नियन क्या है, एक मेम्ब्रेन है कवरिंग द एम्ब्रियो, हाउसिंग इट लाइक अ बैग, बैग की तरह वो उसे हाउस करती रखती है, एंड इट सेपरेट्स द एम्ब्रियो, और ये चिपकने नहीं देती. इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट से इमीडिएट कॉन्टैक्ट नहीं होता है. पहले एम्ब्रियो है, उसके बाद क्या है, एम्नियन मेम्ब्रेन है, बीच में एक कैविटी है, एम्नियोटिक कैविटी जिसमें जिसे बोलते हैं, और जिसमें कि एम्नियोटिक फ्लूइड भरा रहता है जो कि एक सेलाइन सोल्यूशन. बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द एम्नियन देयर इज स्पेस कॉल्ड एम्नियोटिक कैविटी, कंटेन्स एम्नियोटिक फ्लूइड एंड इट इज सेलाइन सोल्यूशन. यहाँ पर मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ. ये आपका एम्ब्रियो है और ये जो है आपका एम्नियोटिक कैविटी है, ये आपकी एम्नियोटिक कैविटी है. ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ तक आ गया, ये एम्नियन है, ये पूरी लेयर जो है ये आप देख रहे हैं, ये एम्नियन है. ठीक है, नाउ कम टू, ये एम्नियोटिक कैविटी है, ये एम्ब्रियो पॉपर है, ये एम्नियोटिक कैविटी है, ये एम्नियन है, ये पूरी ब्राउन कलर की जो है ये सब एम्नियन है. नाउ कम टू दिस, इनका फंक्शन देखते हैं एम्नियन एंड एम्नियोटिक कैविटी का. ये प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द डेसिकेशन, ये जो है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेसिकेशन से बचाता है. इक्वलाइज द प्रेशर अगेंस्ट द एम्ब्रियो बाय फिजिकल फोर्सेस, ये जो है फिजिकल फोर्सेस से एम्ब्रियो को बचाता है, प्रेशर नहीं लगने देता उसके ऊपर.
एडिशन ये चिपकने से बचाता है. एम्ब्रियो टू द वॉल प्रिवेंटेड बाय एमनियोटिक फ्लूड. एमनियोटिक फ्लूड जो है वो एमनियोन को एम्ब्रियो से चिपकने नहीं देते, एडहेसन नहीं होने देता है. एमनियोटिक फ्लूड जो है वो बफर की तरह काम करता है और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है एम्ब्रियो टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज द आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है कंसिस्ट ऑफ सोमैटिक मेसोडर्म. अब हम लोग कोरियोन के बारे में देख रहे हैं. जो आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है जो कि सोमैटिक मेसोडर्म और एक्टोडर्म से मिलकर बनी है उसे कोरियोन बोलते हैं. सोमैटिक मेसोडर्म और एक्टोडर्म से मिलकर बनी है इसे बोलते हैं कोरियोन. तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अगर हम ये पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखें तो ये कोरियोन, ये बाहर वाली जो है ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, ये कोरियोन है बाहर की तरफ. ठीक है, तो द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कंसिस्ट ऑफ सोमैटिक मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म इज कॉल्ड कोरियोन. एंड ड्यूरिंग द थर्ड डे, थर्ड डे जब डेवलपमेंट होता है तो उस थर्ड डे में अ फोल्ड ऑफ द कोरियोन जो है स्टार्ट टू कवर द एंटीरियर एंड को कवर करने लगता है ऑफ द एम्ब्रियो. एंड करस्पॉन्डिंग फोल्ड ऑल्सो ग्रोज फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड में भी बनने लगते हैं. एंड दीज फोल्ड्स फ्यूज टू, और ये फोल्ड मिडिल में फ्यूज हो जाते हैं एंड फॉर्म्स अ टू कंप्लीट मेम्ब्रेन, दो बना, और ये दो कंप्लीट मेम्ब्रेन बना लेती हैं जो कि एम्ब्रियो को कवर की होती हैं. और ये हैं आपकी, कौन कौन सी हैं ये आपकी, द आउटर स्टिल बींग कॉल्ड कोरियन, और आउटर को अभी भी आप कोरियन ही बोलेंगे और इनर वाले को एमनियन बोलेंगे. ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों एक साथ बन जाती हैं. कोरियन को फंक्शन देते हैं, इट सर्व्स फॉर द रेस्पिरेशन इन एसोसिएशन विद एलेंटोइज. ये रेस्पिरेशन, एलेंटोइज भी रेस्पिरेशन कराती है. तो ये लेकिन ये भी कोरियन भी प्ले रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में. वाइल बोथ द एमनियन और कोरियन जो है एम्ब्रियो को एडहेसन टू विद द शेल, एडहेसन से बचाते हैं, द वॉल ऑफ द जहां भी है वहां पे वॉल से चिपकने नहीं देते, एडहेसन से बचाते हैं. कोरियन का एक्स्ट्रा फंक्शन है रेस्पिरेशन का. अब हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ एलेंटोइज. तो जो एलेंटोइज है कंसिस्ट इनर लेयर ऑफ एंडोडर्म से बनी है, सबसे अंदर है, कवर्ड बाय स्प्लैंचिक मेसोडर्म से कवर है. इट्स ग्रोज आउट फ्रॉम द हाइंड गट से ग्रो आउट हुई है इनटू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में, जो है हाइंड गट से निकलकर वहां पर गई है. एंड एक्सपेंड टू फ्यूज विद द सरफेस ऑफ कोरियन, और सरफेस ऑफ कोरियन से फ्यूज हुई है. तो यहां पर हम दिखा देते हैं, ये आपका हो गया एलेंटोइक स्टॉक हो गया, ये आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, इसी से निकलते हुए ये जो आपकी है ये आपका एलेंटोइज है जो कि यहां पर कहीं पर कोरियन से फ्यूज हुई है. ठीक है, ये आपका एलेंटोइज है, ये कोरियन से एक जगह पर फ्यूज हो रही है. तो कहां से निकली है, हाइंड गट ऑफ द ये जो है आपका इनटू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. तो द एलेंटोइज आपने देखा, एलेंटोइज कंसिस्ट ऑफ इनर लेयर ऑफ एंडोडर्म कंसिस्ट ऑफ स्प्लैंचिंग मेसोडर्म. इट ग्रोज आउट फ्रॉम द हाइंड गट इनटू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम एंड एक्सपेंड टू फ्यूज अंडर द सर्फेस ऑफ कोरियन. ऑल्दो द डिस्टल पार्ट ऑफ एलेंटोस जो है एक्सपेंड होता है, इट रिमेन कनेक्टेड विद द हाइंड गट से अटैच रहता है बाय अ नैरो एलेंटोइक स्टॉक से जुड़ा रहता है. कितना भी एक्सपेंड हो जाए, ये एक्सपेंड हो चुका है लेकिन फिर भी ये इससे जुड़ा हुआ है. फंक्शन क्या है एलेंटोइज के, ये देख लेते हैं. इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है. पहला जो इसका फंक्शन है, इट एड्स एज एक्सक्रीटरी रिसेप्टिकल. ये एक्सक्रीटरी रिसेप्टिकल की तरह काम करता है जिसमें कि यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है. इट ऑल्सो एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है ऑफ द एम्ब्रियो. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम द सेल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बोन. ये जो है इट एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है ऑफ द एम्ब्रियो, और यानी एक्सक्रीटरी जो है किडनी की तरह आप देख लो तो यूरिक एसिड को एक्यूमुलेट करता है, रिलीज करता है, और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है. ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है शेल से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. तो इस तरीके से आप कर लेंगे और ये इसका आप डायग्राम बना लेंगे. इस डायग्राम में आप एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियो पॉपर बनाएंगे, ये एलेंटोइक स्टॉक बनाएंगे, ये योक बनाएंगे, ये कोरियन, ये एमनियन. योक में आप योक सैक में ब्लड वेसल्स भी दिखाएंगे. ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है. ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन कलर से, ये एमनियोटिक कैविटी है. ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो आपकी मेम्ब्रेन है, एंटीरियर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. ये पोस्टीरियर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फोल्ड है, ये एंटीरियर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फोल्ड है, ये एम्ब्रियो है. तो इस तरीके से आप ये, और ये एलेंटोइज है, ये सारे के सारे लेबलिंग आप करेंगे और ये डायग्राम इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में बना देंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है और यूपी पीसीएस में आगे भी आ सकता है, जीआईसी मेंस में भी आ सकता है.